हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ईमो पे किसी से वीडियो कॉल बात करते हैं उससे पहले आपको एक सेटिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि ईमो का इस्तेमाल 1 बिलियन से ज्यादा लोग करते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं, कई लोग इसमें फंसे हुए हैं और कई लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो कॉल करते हैं और आपस में किसी से बात करते हैं और यहाँ तक लड़का लड़की बात करता है और इतने ज्यादा बातों में खो जाते हैं, आपस में ओपन बात करने लगते हैं, यहाँ तक एक दूसरे को देखने लगते हैं ओपन होकर, बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि मर्दों में और औरतों में ये आदत होता है कि किसी का भी फोटो हमारे पास आना चाहिए, प्राइवेट फोटो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख लेते हैं और बाद में उसे ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारा फोटो मेरे पास आ चुका है, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना होगा, नहीं तो ये सोशल मीडिया पे जाएगा और तुम्हारा नाम बदनाम होगा। तो आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी स्क्रीनशॉट न ले सके वीडियो कॉल बात करते हुए, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इस सेटिंग को ऑन किया जाता है। और इस वीडियो के लास्ट में 2 ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको अपने ईमो अकाउंट में और ऐड करना है, ताकि आपका अकाउंट और भी अच्छे से चल सके और सिक्योर रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जानकारी मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अपने दोस्त यारों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये काम का चीज है, और अपने घर वालों को भी बताकर इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मोबाइल डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले आप ईमो पे क्लिक करें। ईमो पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल एक इंसान को हम परमिशन ना दे कि वो मेरा स्क्रीनशॉट ले सके, ये कोई भी इंसान कर सकता है, ये सामने वाला भी कर सकता है, तो आप भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, यानी 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस इंसान से मुझे वीडियो कॉल बात करना है लेकिन मैं इसे परमिशन नहीं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट देख सकते हैं ब्लॉग स्क्रीनशॉट फॉर कॉल्स, तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप खुद निशान भी देख सकते हैं कि कैमरा का निशान है, कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है वीडियो कॉल बात करते हुए। तो आप इसे ऑन कर दें, और यहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ पे ऑन कर दें। ये प्राइवेसी सेटिंग है, तो यहाँ पे भी आपको ऑन करना होगा, तब जाकर ये परफेक्ट ऑन होगा। उसके बाद वापस आने के बाद देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से वापस आते हैं, और वापस आने के बाद फिर से यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप परमिशन को ऑफ ऑन कर सकते हैं, वो इंसान स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप इससे बात करना चाहते हैं, जैसा कि आप इसे चेट करेंगे तो यहाँ पे सादा है, तो इसे आप कलरफुल बना सकते हैं, अपना फोटो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वॉलपेपर है, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने मर्जी से यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से कोई भी फोटो या अपना मनपसंद बैकग्राउंड लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक का निशान है, टिक पे क्लिक कर दें, इस तरह से ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आ चुका है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे जो भी बात करूं कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, मुझे डिलीट करने की कोई भी जरूरत ना पड़े, तो ये भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर से उसके प्रोफाइल पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिस्पेयरिंग मैसेज है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 1 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, या 7 दिन के बाद, या 30 दिन के बाद, या हमेशा रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। या आप चेक करना चाहते हैं कि 1 दिन के बाद ये मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, तो 1 डे पे क्लिक करके आप इसे रख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिन के बाद जो भी मैं इसे बात करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस फीचर से फ़ायदा उठा सके, ताकि जो भी स्कैम होता है उससे बचा जा सके।